तो बंदा एक बार फिर से हाजिर है। और वैसे मैंने देख तो रखा है चूना, लेकिन रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों। मैंने कल ही खत्म किया है चूना देख करके, 8 एपिसोड थे उसके, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करूंगा। मुझे कल हाथ लगा जियो सिनेमा का फिल्म फेस्ट, GC फिल्म फेस्ट, और जा करके मैंने दो मूवी देखी है, दो शॉर्ट फिल्म है। एक देखा है मैंने बेबाक, सबसे पहले बात करने वाला हूँ बेबाक के बारे में। दूसरी जो फिल्म देखी है मैंने उसका नाम है बिरहा, अ जर्नी बैक टू होम। और ये दोनों मूवी कैसी है, आपको देखनी चाहिए या नहीं, वैसे फ्री में अवेलेबल है, तो बात करूंगा इस बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बेबाक, बेबाक के अंदर में आपको वो तारे जमीन पे वाले पापा दिख जाएंगे, या फिर अब तो सच बोल दे वो भाई साहब जो है यहाँ पे एज अ पिता का रोल प्ले कर रहे हैं। और वहीं पे आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी देखने को मिलेंगे। ये कहानी बेबाक से ही समझ में आता है कि एक ऐसी लड़की की कहानी है जो पूरे तरह से बेबाक है, अपनी बातों को मनवा के रहती है, पर कोई लाइफ में ऐसा सिचुएशन आ जाता है जिसके वजह से उसको पैसे की जरूरत पड़ती है। अब फिर वो अपने कम्युनिटी के पास जाती है, और फिर उसके साथ क्या होता है, क्या वो पैसा मिलता है नहीं मिलता है, इसी बारे में बात है। 20 मिनट की फिल्म है, आपको जाकर के जरूर देखनी चाहिए। इसका डायरेक्शन अनुराग कश्यप ने किया है, और पूरे बाजार को कवर किया गया है, मुंबई के भिंडी बाजार को, वहां के एक दारुल अलूम या क्या बोलते हैं दारुल फला जो होता है, वहां पे जा करके वो सारी चीजें हो रही थी। बहुत अच्छा छोटा सा रोल प्ले किया है यहाँ पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने, और उनको लेना भी जरूरी था क्योंकि जब वो कुछ भी मूवीज में आते हैं लोग उनको देखने के लिए बैठ जाते हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। अनुराग कश्यप को पता था कि मुझे किसको रखना है, एंड बहुत अमेजिंगली यूज किया है। 20 मिनट की फिल्म है। अगली फिल्म है बिरहा। बिरहा के अंदर में आपको मानव विज और साथ में रजत कपूर देखने को मिल जाएंगे, एंड कपूर जस्ट नेल्ड इट भाई, अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देखा है मैंने उनको एक फिल्म के अंदर में, लाइफ इन मेट्रो में शायद मैंने देखा था। वो एकदम गुलाम किस कर जाते, उसके वजह से वो याद रह जाते उस टाइम पे किस, मतलब इमरान हाशमी ही पॉन था तो उनका किस देखने को मिला, और वो बहुत ही अजीब लगता है देखने में, जिसकी वजह से वो दिमाग में रजिस्टर हो जाते हैं। और उसके बाद से कई सारे फिल्मों में काम किए उन्होंने, लेकिन यहाँ पे एक 70-80 साल बुढ़े इंसान का रोल प्ले कर रहे हैं, और बहुत ही बूढ़ा एक बाप है। यहाँ पे एक दिखाया जाता है कि एक लड़का जो है वो अपने घर वापस आता है 20 साल के बाद। 20 साल बाद जब घर वापस आता है, 20 साल पहले ये लड़का जो है अपना घर से भाग जाता है, पैसे वैसे लेकर के, शायद गहने भी लेकर के भाग जाता है। और 20 साल के बाद जब वापस आता है तो वो बाप की नाराजगी क्या होती है, और किस तरीके से इस कहानी का एंड दिया जाता है वो देखने लायक रहता है। और खास करके कहूंगा कि इसके अंदर में जो एक चाय वाला पार्ट था, एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, फिल्मों के अंदर बहुत सारी चीजें जो मैच कर जाती है। आई वॉज ऑल्सो डूइंग लाइक दैट, कि मेरे हाथ की चाय घर पे बहुत ज्यादा पसंद थी और मांगते रहते थे। तो चाय वो वाला पार्ट जिस तरह से दिखाया जाता है, उस चाय का एक कनेक्शन क्लाइमेक्स तक में रखते हैं, और वो देखने में मजा आ जाता है, एंड द एंड विल जबरदस्त, बहुत जबरदस्त लगेगा आपको एंड। सो आपको ये दोनों फिल्में देखनी चाहिए। ये फिल्म आपको बिरहा जो मूवी है ये आपको 25 मिनट की फिल्म देखने को मिलेगी, और आपको कुछ अलग लेवल की डायरेक्शन, अलग लेवल की एक्टिंग, स्टोरी टेलिंग बहुत डिफरेंट लगेगी, मजा आ जाएगा आपको। अगर थोड़ी देर के लिए अपनी पंजाब के गाँव की वो खुशबू चाहिए, वो आवाज चाहिए, वो सन्नाटा, वो चिड़ियों का चहकना, वो सर्दी की धूप, वो खेत अगर देखना है, तो आप 25 मिनट इन्वेस्ट तो कर सकते हो बिरहा मूवी के ऊपर में। सो दैट्स इट, दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दीज टू मूवीज। व्हाट्स योर टेक, अगर आपने देखा तो बताओ, अगर नहीं देखा तो जियो सिनेमा में फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये अभी कंटिन्यू चलने वाला है शायद फिल्म फेस्टिवल, तो आपको देख करके मजा आएगा, बहुत सारे कॉन्टेंट आ रहे हैं। सो आपने अगर कुछ देखा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, जो मैंने नहीं देखा है मुझे बताओ, मैं भी अगर उस पर कुछ रिएक्ट कर पाऊँ तो। सो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।